नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल एक बार फिर आज चर्चा परिचर्चा में खास मेहमान के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो कोविड काल की महामारी में क्षेत्र हित के लिए, क्षेत्र की जनता के समस्याओं के लिए निरंतर कार्यरत रहे हैं, और आज हम उनके समक्ष उन लोगों की समस्या लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं बांध की ब्यासी जो बांध है उसके कारण प्रभावित हो रहा है। जो पूरा गांव लोहारी जो गांव है और ग्रामीण तकरीबन डेढ़ महीने से धरने पर वहां बैठे हुए हैं, उनकी गंभीर समस्याओं को के संदर्भ में हम जानते हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता रामशरण नोटियाल जी की क्या प्रतिक्रिया है। तो सीधा ले चलते हैं नोटियाल जी के पास। नोटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नोटियाल जी, आप कोविड काल में सर निरंतर सेवारत रहे हैं, कई बार आप भी खुद भी कोविड से संक्रमित हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों की समस्याओं में आप निरंतर लगे रहे हैं हल करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं सर, डैम बन रहा है, उस डैम से लोहारी ग्रामीण जो है प्रभावित हो रहे हैं, और तकरीबन डेढ़ महीने से वो धरने पर बैठे हुए, लेकिन उनकी समस्या सुनने के लिए अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया है। क्योंकि आप क्षेत्र की पीड़ा को बार बार उजागर करते रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर, क्या कहना है आपका इस पर? नोटियाल जी, 36 साल में गांव के लोगों का मुआवजे का निपटारा नहीं हुआ। 36 साल में 7 चुनाव हुए, 7 चुनाव में नेताओं ने वहां घोषणाएं करी, वोट बटोरे, उसके बाद देखा नहीं। इसके प्रमाण आप जाइए, उनसे बात करिए, मेरी बात को अगर वो गलत कहते हैं तो मैं जो कहूँ मैं मानने को तैयार हूँ। सड़कें बनती है, उसका भी मुआवजा बढ़ता है, हर चीज़ का मुआवजा बढ़ता है। ये तो पूरा गांव एक जो है, पूरा गांव जो है एक बसाया जाना है। वो तो उन लोगों ने अपना भी कुछ व्यापार वगैरह करते हैं वहाँ के लोग, तो उन्होंने अपनी कुछ ज़मीनें वगैरह कुछ लोगों ने लेकर के मकान बना दिए। लेकिन कई सौ पीढ़ी से, कई पीढ़ियों से, कई सौ सालों से वहाँ उस गांव में रह रहे हैं, उस गांव ने कल डूब जाना है। और उसकी मार्मिकता को समझे, समझने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन को समझे। वो जो एक खुला बीच में रास्ता है, मुझे कोई बता रहा है कि आज पानी उधर से जाने लगे जहाँ वो लोग बैठे थे। जी, जैसे कि सर आप जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय से ये जो है अटका हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि 3 जनवरी 2017 को इसमें एक प्रस्ताव पारित भी हुआ था, तत्कालीन समय में शायद कांग्रेस की सरकार रही है राज्य में, उसके बाद फिर वो प्रस्ताव निरस्त किया जाता है जब सत्ता परिवर्तन होता है। तो आखिर ऐसा क्यों सर? वो तो एक जन समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए था कि सबसे पहले जी मैं इस पर कुछ कहना नहीं बहुत ज़्यादा चाहूँगा जी, लेकिन ये प्रस्ताव जो है सरासर बेमानी था। जो ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि इनको रेशम विभाग की जमीन दे दी जाए, ये ऐसे है जैसे हमारे बिला बोलना जे नोट दा भले वा और आंगन भाई है। मतलब आप सरकार जा रहे हैं, आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, 10 साल से जोनसार बावर को एक मंत्री दिया है, फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर दिया है, आप 10 साल कहाँ सोए रहे? ऐसी आपको क्या पीड़ा जागी अचानक की जो आखिरी मीटिंग हो रही है कैबिनेट भी, उस पर आप एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि इनको दे दीजिए, बस मेरा काम हो गया जी। अब रही स्थगित करने की बात, रेशम विभाग की जमीन के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है, लेकिन उस पर शासनादेश कुछ नहीं हुआ, वो कर ही नहीं पाए, वो आदेश थोड़ी हुआ है, कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया और वाह लूट ली, कोई आदेश नहीं है, तो जियो होना था। अब अगली सरकार ने उसको स्थगित किया क्योंकि उसमें विरोध के स्वर भी उठने लग गए। रेशम विभाग की जमीन के लिए मुझे ही कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आप सब विकास नगर में ही सब कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि विकास नगर की और कहीं ढालीपुर डकराने की बात नहीं है, बात यह है कि टिहरी के लोग जब विस्थापित हुए तो उनको पथरीबाग में भी दिया गया, ऋषिकेश में भी दिया गया, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन मैं समझता हूँ ओपन है। अगर उन्होंने आस्थगित किया तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सोचती हो कि भाई हम इसी तरह की कोई दूसरी ज़मीन देंगे,
और ये आपसी तालमेल से बैठने की ज़रूरत है। एक मामला 35 साल से घोषणाओं में खड़ा है, आप देख रहे हैं क्या चल रहा है टीवी पे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि 35-30 साल से जो लंबित पड़ा हुआ है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, लेकिन सर आप स्वयं भी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और हाल के दिनों में अगर हम देखें 2-3 दिनों से जो हमें भी रिपोर्ट मिल रही है संबंधित क्षेत्र से, तो जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीण वहाँ पुरुष मात्र नहीं, महिलाएं बच्चे सारे वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो कभी भी उस गांव के लिए एक बड़ा भयानक संकट पैदा हो सकता है जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है। उसके बावजूद आपने कोशिश की कि आपने मंत्री महोदय से भी मिले, यहाँ पर मंत्री महोदय के माध्यम से आपको क्या आश्वासन मिला कि उनकी समस्या? मैं आज सुबह माननीय मंत्री से मिला जी, मैंने उनसे 2 बात कही। मैंने उनसे एक आग्रह किया कि एक प्रस्ताव जनवरी में हुआ और उसका स्थगन प्रस्ताव 5 महीने बाद हो गया। माननीय मंत्री जी उन दोनों ही बैठकों में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बैठे थे, तो मैंने एक तरह से उनको उनकी जिम्मेवारी मैं उनके ऊपर डालनी चाहता था, तो मैंने कहा कि अब आपकी जिम्मेवारी में आ गया क्योंकि आप दोनों बैठकों में थे, तो जो आपको उचित लगता है, कोई कसम किसी ने खाई नहीं कि हमको यही जगह चाहिए जी, लेकिन बहरहाल को सुटेबल जगह तो देंगे, विस्थापित तो करेंगे। अभी तक कई ऑप्शंस देते तो उसमें से कोई ना कोई फाइनल हो जाता। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर मैं इसके सारे कागज मंगा लेता हूँ और सचिव स्तर की पहले बात करके फिर मैं आप सब लोगों को बुलवाता हूँ और फिर इसका एक निर्णय पे हम लोग आएंगे जी, और जो कनेक्टेड लोग हैं सारे उनको बुलाएंगे, फिर उस पर कुछ हम लोग तय करेंगे। तो ये मेरा विश्वास है वो करेंगे जी, मुझे ऐसा लगा कि वो करेंगे जी। आपको पूर्ण विश्वास है और हम भी यही आशा करते हैं कि जो ग्रामीण वहाँ पर जो कहीं ना कहीं बड़ी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान निकले। हमारे साथ खास मेहमान थे आज नौटियाल जी, और नौटियाल जी ने उनकी समस्याओं को मंत्री के महोदय के संज्ञान में लाया है और न मात्र संज्ञान में लाया है, उनको ये आशान्वित हैं, ये पूर्ण उम्मीद है कि इस पर जो है जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा ताकि उन ग्रामीणों के लिए जो है विस्थापित कोई जगह निर्धारित की जाए और वहाँ पर उनको विस्थापित किया जाए। आपने ये देखा डीसीपी न्यूज़ के साथ नौटियाल जी की खास बातचीत, और आगे के लिए भी बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ, फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ जो होगा क्षेत्र हित के लिए। तब तक के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। मैं दीवान नौटियाल, देहरादून उत्तराखंड से।